वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, होप यू डूइंग गुड गाइस। सो आज का वीडियो होने वाला है पार्टी वेयर हॉल फ्रॉम मिंत्रा। एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं एक महंगा हॉल और एक सस्ता हॉल, दोनों तरह के हॉल्स वीडियो बनाऊंगी। लास्ट वीक अमेजोन का चीपेस्ट हॉल मैंने करा था, सो अभी मिंत्रा का एक्सपेंसिव हॉल मैं कर रही हूँ। सरारा सेट एंड प्लाजो सेट और धोती सेट में दोनों तीनों तरह के कपड़े आज आपको दिखाऊंगी। पार्टीज में वेयर कर सकते हैं, लाइक वेडिंग फंक्शन वगैरह में वेयर कर सकते हैं और कुछ छोटे मोटे पार्टीज में वेयर कर सकते हैं। आज का हॉल होने वाला है सांगरिया कुर्ता सेट स्पेशल हॉल। एंड मुझे सांगरिया के कुर्ता सेट मिंत्रा से बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ सांगरिया के कुर्ता सेट पे, पर्सनली बहुत ज्यादा वेयर करती हूँ, इसलिए मैं सांगरिया के कुर्ता सेट आज आपको दिखाऊंगी। कमेंट जरूर से करना कि आज का हॉल आपको कैसा लगा एंड आज के हॉल में कौन सी कुर्ती सेट आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो एंड अगर आपको मेरे हॉल्स वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो मेरे फर्स्ट आइटम है वो येलो कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती सेट है, लाइक कुर्ती दुपट्टा एंड प्लाजो। ये सांगरिया की न्यू कलेक्शंस में से है और कुछ इस तरीके से इसकी नेकलाइन है, मैंडरिन कॉलर के साथ है, मिरर वर्क की हुई है, बहुत ही कलरफुल थ्रेड वर्क के साथ है ये और थ्री क्वार्टर स्लीव्स के साथ है। ये मटेरियल इसका प्योर कॉटन है कुर्ती एंड प्लाजो का, सो मटेरियल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई एंड बैक कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे भी पूरा मिरर वर्क की हुई है। तो नीचे से ये कुर्ती हाइलो हेम डिजाइन वाली है, फ्लेयर बहुत अच्छी है एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से इसकी प्लीट्स बनी हुई है एंड फ्लेयर इसकी बहुत ज्यादा है। लाइक सांगरिया की कुर्ती सेट में आपको पता ही है कि फ्लेयर कुर्ती की हो या प्लाजो की हो बहुत ही ज्यादा होती है, सो कुछ इतनी फ्लेयर है। अगर आपके घर में शादी है, हल्दी फंक्शन है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वेडिंग पार्टी में भी आप इसे पहन सकते हैं क्योंकि पहनने के बाद जो ये लुक दे रही है वो बहुत ही क्लासी और बहुत स्टैंडर्ड लुक दे रही है। इसमें मेरा साइज स्मॉल है, सो इसका दुपट्टा कुछ इस तरीके से शिफॉन के दुपट्टा है और लंबाई मैं आपको दिखा दूं, लंबाई कुछ इतनी है। दुपट्टे का जो मटेरियल है वो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। प्लाजो अगेन कॉटन मटेरियल में कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक डोरी दी हुई है जिसे आप खींच कर टाइट कर सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग एंड पीछे ये इलास्टिक दी हुई है। प्लाजो की नी तक नॉर्मल फ्लेयर है बट नीचे जाते ही देख सकते हैं कि इसकी फ्लेयर कुछ ज्यादा है। प्लाजो का जो मटेरियल है वो बहुत ही लाइट सी थ्रू है एंड कुर्ती वैसे अनारकली है सो वैसे भी वो नजर नहीं आएगी। मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छी है, कॉटन मटेरियल बहुत सुपर फाइन है। ऐसी इस तरीके के डिजाइन पहनकर मैंडरिन कॉलर के साथ आप थोड़े से इस पे पतले भी लगते हो तो ये प्लस पॉइंट है। मटेरियल थोड़ी सी लाइट सी थ्रू है, इस पे आपको स्पेगेटी वगैरह वेयर करनी पड़ेगी बट लाइट है, सी थ्रू है, इसका ये मतलब नहीं कि मटेरियल खराब है, मटेरियल बहुत अच्छी है इसकी। सो मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी, पहनने पे बहुत कंफर्टेबल है, डिजाइन बहुत ऑसम है एंड लुक भी बहुत अच्छी दे रही है। हाइलो है मैं बहुत स्टैंडर्ड लग रही है एंड पार्टीज के लिए परफेक्ट है। मैंने पिक करा है लाइक कोई छोटे मोटे पार्टीज के लिए एंड बहुत ज्यादा आप तामझाम भी नहीं पहनना चाहते बट एट द सेम टाइम आप ओवर एंड बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती पहनना चाहते हैं तो उसके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे भी आपको आई थिंक पहनना हो लाइक इंडो वेस्टर्न टाइप अगर आप लोग देना चाहते हैं तो इस कुर्ती के साथ आप वो चीज भी कर सकते हैं। सो ये ब्लू कलर की बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती है एंड राउंड नेक के साथ है। यहाँ पे आपको एक डोरी मिलती है एंड उसके नीचे यहाँ पे एक डोरी मिलती है। सो ये नीचे से पूरी ओपन है, लाइक एज अ श्रग भी आप इसे यूज कर सकते हैं डोरी ओपन करके। शॉर्ट स्लीव्स के साथ है और कुछ इस तरीके से गोल्ड एंड व्हाइट प्रिंट्स बनी हुई है स्लीव्स पे एंड कलर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। प्रिंट्स भी मुझे इसकी ओके ओके टाइप लगी, लाइक बहुत ही बुरी वाली ये फॉइल प्रिंट्स नहीं है। नीचे भी पूरी सेम प्रिंट्स बनी हुई है कुर्ती पे पूरे नीचे की तरफ जो कि बहुत ही क्लासी प्रिंट। ब्लू पे ये जो प्रिंट्स है ना ये बहुत ज्यादा जच रही है। सो मटेरियल इसका विस्कॉस है, मटेरियल मुझे पसंद है क्योंकि आपको रिसीव होगी ये मटेरियल तो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगी, वो बहुत लंबी टिकती है क्योंकि इस तरीके का मटेरियल मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ सांगरिया ब्रांड से। इस पे मेरा साइज मीडियम है, ये मुझे लूज हो रही है, मुझे स्मॉल मंगानी चाहिए थी। इस पे अनारकली की जो घेर है वो बहुत ही ज्यादा है जो कि मैं आपको लुक बुक में अच्छे से दिखाऊंगी। सो कुछ इतनी घेर है इसकी, आप देख सकते हैं। आती है स्लीवलेस कुर्ती के साथ जो कि राउंड नेक के साथ है एंड कुछ इतनी लेंथ है इसकी और साइड से इस पे कोई भी स्लेट नहीं है।
लाइक ये फ्रॉक टाइप है कुर्ती ये, क्योंकि जब भी आप इसे वेयर करोगे एंड ऊपर से कोटी डालोगे तो आपको अंदर प्लाजो या चूड़ीदार वेयर करने की जरूरत नहीं है। एज अ ड्रेस आप यूज कर सकते हैं ओपन करके भी, गोल्डन या व्हाइट शूज के साथ आप इसे इंडो वेस्टर्न लुक भी दे सकते हैं। अंदर का जो इनर है वो थोड़ा सी थ्रू है, सो बहुत ज्यादा नहीं है, आप आराम से इजिली मैनेज कर सकते हैं। सो इस कुर्ती पे दोनों तरफ पॉकेट मिल रही है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड बात करूं मैं इसके डिजाइन की, तो डिजाइन बहुत अच्छी है, मटेरियल मुझे बहुत पसंद आई। ओवरऑल मैं अगर इस कुर्ती की बात करूँ तो मैं इसे रिकमेंड करूंगी, बट थोड़े से और अच्छे डिस्काउंट में आपको मिलता है तो ही आप ले, क्योंकि 60-65% डिस्काउंट 100% सांगरिया में जाती ही जाती है, कोई स्पेशल सेल की जरूरत नहीं होती, कभी प्राइस होती उसकी कम हो जाती है, बस वेस्टलिस्ट में रखिए और चेक कीजिए। इसे लुक इसकी बहुत अच्छी लगी एंड पहनने पर बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्टाइलिश है, तो मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. गोल्डन कलर का बहुत ही खूबसूरत कुर्ती सेट है एंड इस पे थ्री पीस सेट है, लाइक जैकेट है एंड अंदर स्लीवलेस कुर्ती है, उसके साथ प्लाजो है। सो ये कुर्ती है एंड गोल्डन और बीच कलर की बहुत ही खूबसूरत ओवन डिजाइन कुर्ती है, लाइक ये पूरी बनारसी लुक आपको देगी कुछ इस तरीके से। मैंडरिन कॉलर है एंड यहाँ पे आती है एक बटन, ओपन कर सकते हैं एंड ये फ्रंट कट के साथ है, लाइक फ्रंट स्लेट है इस पे और कुछ इस तरीके से इसकी फ्लेयर है। बैक पे भी सेम डिजाइन है, इस पे मेरा साइज मीडियम है। ये आती है ये स्लीवलेस गोल्डन कलर की कुर्ती के साथ, ये भी शाइनी शाइनी मटेरियल है, जैकेट भी इसकी शाइनी वाली मटेरियल है एंड ये भी पूरी शाइनिंग वाली मटेरियल है, मटेरियल कॉटन ब्लेंड है इसकी। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरी आती है इसकी फ्रॉक वाली शेप, एंड फ्लेयर में दिखा दूँ कि इसकी फ्लेयर कितनी है, तो आप देख सकते हैं इतनी इसकी फ्लेयर है। एंड उसके साथ आती है ये प्लाजो जिसके फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ इलास्टिक है, सेम मटेरियल है, जो भी कुर्ती के मटेरियल है सेम प्लाजो के मटेरियल है। और फ्लेयर में दिखा दूं अगेन, बहुत ही ज्यादा फ्लेयर है इस पे भी। सो ये बहुत ज्यादा फ्लेयर वाली प्लाजो है जो कि मुझे बहुत पसंद आती है, एंड आप चाहे तो इसे स्लीवलेस भी वेयर करते हैं, स्लीवलेस कुर्ती के साथ प्लाजो भी बहुत अच्छी लग रही है एंड जैकेट के साथ भी बहुत अच्छी लग रही है। डिजाइन मुझे बहुत पसंद आई, इसकी लुक बहुत पसंद आई एंड मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिलती है गोल्डन कलर, सो पूरी गोल्डन लुक दे रही है, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। टेल इसकी बहुत ही शाइनिंग वाली है, बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन ब्लेंड मटेरियल है, बट फ्रैंकली मैं बोलूँ तो मैं मटेरियल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुई हूँ, क्योंकि सांगरिया की जो मटेरियल होती है उस पर कोई डाउट होता ही नहीं है। प्लाजो एंड कुर्ती की थोड़ी सी लाइट मटेरियल है एंड जो कुर्ती है एंड जो प्लाजो है वो हल्की सी सीथ्रू भी है कुर्ती, यहाँ पे आपको स्पेगेटी वगैरह वेयर करनी पड़ेगी, अगर आप सिंपल ब्रा वेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है, तो थोड़ी सी लाइट वेट भी है, थोड़ी सी सीथ्रू भी है, तो मटेरियल का थोड़ी सी अच्छी होती तो ज़्यादा बेटर कुर्ती सेट लगती। इसका प्राइस लाइक बहुत ज़्यादा है, अगर प्राइस थोड़ा कम हो जाए और अच्छे डिस्काउंट पर मिले तो मैं इसे रिकमेंड करूँगी। Over your body and over your soul, we're gonna take back everything and lose it all, lose it all. पट्टी शरारा सेट है ये, बहुत टाइम से ये लेना चाहती थी, बट इसका साइज कभी भी स्टॉक पे नहीं होता था, बट जब फाइनली मुझे मिला तो मैंने इसे ले लिया एंड कलर इसका मरून कलर है जो कि बहुत औसम है, गोटा पट्टी डिटेलिंग के साथ है पूरे नेकलाइन पे एंड स्लीव्स पे भी यहाँ पे है, और नीचे पे आप देखेंगे कुर्ती के तो यहाँ पे भी पूरी गोटा पट्टी डिटेलिंग है
मुझे पहले रिसीव हुई तो मुझे इतनी समझ में नहीं आया, मैं शूट करने से पहले जब इसे आयरन कर रही हूँ तो ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। मैं सोच रही हूँ मीडियम साइज इतनी बड़ी, तो जब मैंने साइज चेक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे साइज होती है ना, ये चीज़ जो पार्ट है वो कटी हुई है, ठीक है, यहाँ पे साइज नहीं दिख रही है कुर्ती की। एंड अगर मैं टैग पे चेक करूँ तो टैग पे मीडियम लिखी हुई है, बट ये जो साइज है ये लार्ज भी नहीं है, ये एक्सेल साइज है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लूज हो रही है ये। एंड मतलब आपके साथ कुछ भी घोटाला कर सकता है, यहाँ पे साइज काट दिया एंड टैग मीडियम का लगाकर चिपका कर ये बेच रहे हैं। ये मुझे रिसीव हुई है ट्यूसडे, और ट्यूसडे मैं शूट भी कर रही हूँ एंड वेडनेसडे मॉर्निंग ये वीडियो आएगी, सो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फिर से इसे एक्सचेंज करूँ, सो इसी तरीके से मैंने अभी शूट कर लिया है। मीडियम साइज रिसीव होती ना ये कुर्ती, सिर्फ बहुत अच्छी लगी। एंड लास्ट पार्टी वेयर में भी मैंने आपको कुछ इस तरीके से कुर्ती सेट पिंक में दिखाया था, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। तो कुछ इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कुर्ती है, एंड मैंने शूट करा है यहाँ पे, आप देखिए ये क्लचर लगा के, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इसे शूट करने में क्योंकि एक्सट्रीमली लूज थी ये। मटेरियल प्योर कॉटन है, बहुत ही लाइट सी थ्रू है, बट स्पेगेटी वगैरह आपको वेयर करनी पड़ेगी, अगेन लाइट है बट मटेरियल काफ़ी अच्छी है। तो इसके साथ आती है ये दुपट्टा, जो लहरिया दुपट्टा है कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको गोटा पट्टी डिटेलिंग चारों तरफ दुपट्टे पे मिलेगी। एंड दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई मैं दिखा दूँ, सो चौड़ाई आप देखिए कि कितनी ज़्यादा है, एंड अब मैं आपको लंबाई दिखा दूँ कि लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। सो कॉटन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे दुपट्टे पे चाहिए होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है लंबाई चौड़ाई वाली दुपट्टा। बेस्ट पार्ट है इसका सेम ये प्लाजो, जो कि शरारा की तरह लुक दे रही है कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको इसकी घेर दिखाऊंगी तो लिटरली आप भी मेरी तरह पागल हो जाओगे। सो पहले मैं दिखाती हूँ नीचे कुछ सेम गोटा पट्टी डिटेलिंग है, जो कुछ इस तरीके से है। एंड अब मैं इसकी एक साइड की घेर आपको दिखाती हूँ कि इसकी एक साइड की घेर कितनी है। ये पूरी दूसरी तरफ की घेर इतनी है, लाइक एक स्कर्ट के बराबर एक पैर का घेर है। सो ये चीज जो मुझे सांगरा की है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। आपके घर पे शादी है या फिर आप न्यूली मैरिड हो तो ट्रस्ट मी, ये कलर एंड ये कुर्ती सेट आप पे बहुत अच्छी लगने वाली है। सो मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी। मटेरियल प्योर कॉटन है दुपट्टा कुर्ती एंड प्लाजो का, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। मटेरियल पहनने पर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी क्योंकि मुझे बहुत लूज साइज मिल गई है, बट अगर अपने साइज की आती तो पहनने पर भी बहुत कंफर्टेबल लगती। जब आप बहुत अच्छे से रेडी होकर इसे पहनोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। पूरी शरारा लुक, स्कर्ट लुक, बहुत ही ऑसम कुर्ती सेट है ये और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूंगी। माई नेक्स्ट आइटम इन दिस रेड एंड ऑफ वाइट धोती पैंट। सो ये करीबन मैंने एक महीने पहले लिया था, और ये मैं लास्ट मंथ घर गई थी तो वहाँ पे छूट गई, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। सो रेड एंड ऑफ वाइट कलर की ये सॉलिड कुर्ता विद धोती पैंट है, बट यहाँ मेंशन है धोती पैंट, बट ये पैंट नहीं है, ये ओपन स्कर्ट है। लाइक जो धोती का लाइनिंग जो बीच से पार्टीशन होना चाहिए वो बिल्कुल ओपन है, एज अ स्कर्ट ही है ये, सिर्फ धोती की लुक इस पर दी गई है। एंड मटेरियल इसका कॉटन है, प्योर कॉटन है, एंड ये कॉटन थोड़ी खादी टाइप ऑफ कॉटन जो होती है ना, ये वैसी कॉटन है। एंड मुझे पहनने पे बहुत स्टाइलिश लगी, इस पे मैंने थोड़ा बोहो लुक दिया है ज्वेलरीज के साथ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड शॉर्ट हाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, कि मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्ट हाइट पे अच्छी लगेगी, लॉन्ग गर्ल्स पे ही अच्छी लगेगी। सो फ्रंट पे ये क्रीम कलर की, ये कपड़े की कटिंग की ही यहाँ पे नेकलाइन पे डिजाइन बनी हुई है, नीचे की तरफ ये प्लीज बने हुए हैं जिसपे पॉम्पम लगी हुई है, एंड कुर्ती पे साइड स्लिट है दोनों तरफ, और शॉर्ट स्लीव के साथ है। वैसे मुझे शॉर्ट स्लीव बहुत अच्छे नहीं लगते, बट ये कुर्ती सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत यूनिक है, बहुत स्टाइलिश है, और जिनको भी थोड़ा डिफरेंट पहनना पसंद है उनके लिए परफेक्ट है। एंड मटेरियल बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल मैं उतना नहीं कहूँगी, क्योंकि जो धोती पैंट है वो पूरा ओपन स्कर्ट है, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो तो ये फिर उतना सेफ नहीं होगा, आपको अंदर कुछ पहनना पड़ेगा। बट कभी कभी के लिए पार्टीज़ या कोई छोटे मोटे पार्टीज़ के लिए या फिर किसी खास ओकेजन के लिए परफेक्ट है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी।
The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Stop this conversation. Today's video guys, I hope आज का party wear सांगड़ा कुर्ती set haul आपको पसंद आई तो please like कर दो and subscribe कर दो क्योंकि आप हमेशा subscribe करना भूल जाते हो and comment में मुझे जरूर से बताना कि कौन सी कुर्ती set अच्छी लगी and मिलते हैं मैं next video पे bye guys.